यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज हमने दे दिया, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का डिस्प्ले दिखाएगा और यहाँ से सर्किट होके जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ से आके इसमें दिखाएगा, ठीक है। तो दो हमने डिजिटल मीटर लगाया है, इनपुट सर्किट और इसको इंक्रीज करके आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी वोल्टेज डाल रहा हूँ मैं, तो देखिए 4 वोल्ट इसमें डाल दिया हमने और यहाँ पे देखिए आउटपुट पे करीबन 135 वोल्टेज इसमें दिखा रहा है, मतलब डीसी, ठीक है। तो यह से हमने डीसी आउटपुट इतना हमने इसमें निकाला है। तो इनपुट पे अगर आप 4 वोल्ट डालेंगे तो आउटपुट पे इतना ज़्यादा निकलेगा। देखिए मैं इसको खोल देता हूँ तो ये वोल्टेज बंद हो गया है, अभी इसमें लगाने से ये वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पर लगाने से फिर से देखिए वोल्टेज अपग्रेड हो गया है। तो ये जो सर्किट देख रहे हैं ये टोटली किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कैसे बनाए हैं, आइए देखते हैं। स्पॉन्सर्ड बाई LCSC इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है LCSC.com। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएगा बहुत ही कम रेट पे। यहाँ पे देखिए ऑल प्रोडक्ट में आप लोगों को कोई भी पार्ट्स एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं। नीचे आने से आप लोगों को SMD कंपोनेंट और नॉर्मल IC भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ क्वांटिटी सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर देना है। तो ये जो सर्किट आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप लोग बनाने से पहले CFL का जो सर्किट है उसको आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर देखिए एक कॉयल है, तो ये जो कॉयल आप देख रहे हैं इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग कॉयल बोलते हैं क्योंकि इसका दो एक इनपुट और एक आउटपुट है, चारों में कोई इनपुट आउटपुट नहीं है, सिर्फ दो वायर ही इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा अपग्रेड करेंगे, तो इसके साइड में देखिए थोड़ा गैप है, इस गैप के अंदर से हम लोग कॉयल को राउंड राउंड घुमाएंगे, पहले घुमाएंगे 6 बार, उसके बाद घुमाएंगे 10 राउंड, ठीक है। तो हम लोगों को 3 वायर चाहिए, 6 बार घुमाने से उसके बाद एक वायर निकलेगा, उसके बाद फिर से 10 राउंड करेंगे, उसके बाद और एक वायर निकलेगा। तो इस प्रकार से 3 वायर हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, तो देखिए तो ये एक कॉपर वायर है, तो इसका नंबर है 26, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर से घुमाएंगे। तो ये जब भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं अभी कंप्लीट करके आप दिखाता हूँ, तो वीडियो को वेस्ट ना करके हम लोग देखिए कंप्लीट कर दिया हमने। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लगाया है आपको फिर से दिखाते हैं। तो अभी देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसके साइड में हम लोग कॉयल को अंदर में डाल दिया और पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 10 राउंड है, पहले 10 राउंड, उसके बाद एक वायर निकला है, उसके बाद 6 राउंड, ठीक है। तो इसमें से एक वायर है और मिडियल का एक है और साइड में एक है। तो इसका सर्किट देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। तो अभी देखिए एक मॉस्फेट ले लेंगे जिसका नंबर है IRFZ44N। तो ये मॉस्फेट हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए गेट, ड्रेन और यहाँ पे सोर्स, ठीक है। तो गेट पर हम लोग लगाएंगे 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस या फिर 330 ओम्स का एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। तो मैं 330 ओम्स का एक रेजिस्टेंस इस पर लगा रहा हूँ, गेट पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इस रेजिस्टेंस को हम लोग गेट पे फिट करेंगे। तो अभी ठीक तरीके से इसको लगाना होगा, तो मैं इस पर लगा देता हूँ। तो अभी देखिए लग गया है। तो अभी जो ट्रांसफार्मर है अभी इसको ट्रांसफार्मर बना दिया हमने, पहले कॉयल था अभी ट्रांसफार्मर बना दिया। तो अभी जो 10 राउंड है उसका जो वायर है इसको हम लोग लगाएंगे रेजिस्टेंस के दूसरे स्तर पे, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर का और एक वायर है उसको हम लोग लगाएंगे ड्रेन पे, और बीच का जो वायर है इस पर हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे और सोर्स से हम लोग नेगेटिव को लगा देंगे, नेगेटिव का जो वायर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो अभी इसका वायर लगाते हैं हम लोग, तो ध्यान में रखिएगा जैसे जैसे हमने दिखाया है वैसे लगाना होगा और इस पर आउटपुट हम लोग निकालेंगे। तो अभी देखिए इस पर हम लोग वायर लगाते हैं, तो वायर जब भी इसमें फिट हो जाएगा तो अभी देखिए पॉजिटिव को मीडियल पे लगाएंगे जो ट्रांसफार्मर है इसके मीडियल पे, और नेगेटिव को हम लोग सोर्स पे लगा देंगे। तो अभी देखिए सोर्स पे हम लगा दिया। तो अभी ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये किस प्रकार से बनाते हैं अभी आपको बताएंगे। तो इसका सर्किट आउटपुट एक है और एक तरफ इनपुट है, तो इनपुट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे जो कॉयल के दो सर पे लगा देंगे। और इसको हम लोग कैसे बनाया है देखिए, पहले हम लोगों को दो कैपेसिटर लेना होगा
टू के का, ठीक है। तो उसके बाद दो डायोड लेना होगा जो कि इसका नंबर है 1N7004 का। तो दो कैपेसिटर को इस प्रकार से हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद अभी हम लोग इसको लगाते हैं। तो लगाने के बाद दो डायोड हम लोगों को क्रॉस करके लगाना होगा। तो दोनों डायोड को हम लोग क्रॉसिंग करके लगाएंगे दो पैरों पे दोनों कैपेसिटर के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह क्रॉस करेंगे और दूसरा इस प्रकार क्रॉस करेंगे, मतलब एक तरफ इनपुट पे एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा। इस प्रकार से हम लोग डायोड को सेट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको सेट करते हैं। तो अभी सेट हो गया है, देखा आपने किस प्रकार से हमने लगाया है। तो बहुत ही ईजी है। तो इसका दो सर हम लोग ट्रांसफार्मर पर लगा देंगे और दो सर एक साथ कर देंगे ताकि इसमें से वोल्टेज हम लोगों को मिल सके। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग इसको फिट कर देंगे आसान तरीके से, अच्छे से फिट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के दो वायर हैं, पहले ये कॉयल था ट्रांसफार्मर, उसी कॉयल का जो दो वायर है उस पर हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो करने के बाद ये करीबन कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये सर्किट आप लोग देख सकते हैं, अभी जो हमने बनाया है सेम टू सेम ये सर्किट आप लोग इस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट इनपुट हमने दे दिया है। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के मीडियल पे पॉजिटिव लगा देंगे और एक तरफ 6 राउंड होगा और दूसरी तरफ 10 राउंड होगा। जो 10 राउंड होगा उसी 10 राउंड से हम लोग 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे या फिर 330 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। लगा के जो IRFZ44N का जो MOSFET है इसका जो गेट है इस पर हम लोग लगाएंगे। और देखिए जो ड्रेन है, ड्रेन को हम लोग लगाएंगे जो 6 राउंड है उसके सर पे लगा देंगे और जो सोर्स है उसको हम लोग ग्राउंड पे लगा देंगे। इस प्रकार से एक साइड का कनेक्शन हो गया है और दूसरा साइड तो रेडी ऑलरेडी पहले ही था, जो कि हम लोग जो कॉयल हमने खोला है वही है इसका दो सर। तो दो सर पे हमने दो जो कैपेसिटर लगाया है, लगा के इसका जो एक सर से देखिए डायोड को इस प्रकार से लगाया है, लगा के दूसरे कैपेसिटर के दूसरे सर पे लगा दिया। और सेम टू सेम यहाँ पे देखिए पहले जो कैपेसिटर था इसका जो पहले कनेक्शन से डायोड को उल्टा लगा दिया, पहले इस प्रकार था उसके बाद इस प्रकार हो गया है, उल्टा लगा के दूसरे कैपेसिटर के पहले लगा दिया। देखा आपने इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर दिया करके इसका आउटपुट देखिए करीबन 10,000 वोल्ट इसमें से आउटपुट होता है। तो 5 वोल्ट से 10,000 वोल्ट आउटपुट हम लोगों को आसान तरीके से इस प्रकार से मिल सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं 10,000 वोल्ट किस प्रकार से होते हैं। तो अभी इस सर्किट पे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए जब भी इसमें कोई लोहा लगाएंगे तो देखिए स्पार्किंग कर रहा है और इस पर अगर पकड़ेंगे बहुत ही जोर का झटका आप लोगों को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है, 5 वोल्ट से बहुत ही अच्छे वोल्टेज इसमें से आउटपुट होते हैं। तो इस पर आपको दिखाते हैं क्या वोल्टेज इसमें आउटपुट हो रहा है। तो पहले आप लोगों को सामने से दिखाते हैं। तो देखिए ये स्पार्किंग बहुत ही अच्छे से स्पार्किंग कर रहे हैं। तो स्पार्किंग तो कर रहे हैं लेकिन ये जो टेस्टर आप देख रहे हैं इसका जो अभी देखिए इसका आउटपुट पे लाइट इसमें ग्लो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है। तो 5 वोल्ट से इसका जो एसी का लाइट ग्लो करता है, मतलब बहुत ही अच्छा वोल्टेज इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट बनाते हैं। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।